तो ये हमारा हेलमेट सेम है, तो यही बलाक्लावा वहां से मेरे को मिला था, तो अब एक बार पहन के भी। बड़ी मुश्किल होता है, एक साइड मैगी को संभालो, दूसरे तरफ आदि। मैगी का घर कौन सा है? तुम मैगी को जो भगा रहे हो, मैगी का घर कौन सा है? मैगी जा 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 अपना घर में जा। शुद भैया तो चला गया, कहाँ सोएगा? हेलमेट वाला कब करेंगे? इसको हो जाना, तो इसको करके। शुद शुद चलो 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 जल्दी तेल लगाओ, तेल लगाओ जल्दी, तेल लगाओ, गाड़ी लो, गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ, पापा गाड़ी लाओ, ऊपर जाओ, चलो चलो, तेलु तेलु होगा तो ये छोड़ दो इसको, तो चलो तेल लगाना है। कोकू चलाओ, कोकू चलाओ, देखो मम्मी कोकू चला रही है। आस्ते आस्ते टाटा। पहले पापा गाड़ी दिखा दे, पहले पापा गाड़ी दिखा दे। आदि नीचे जाए और पापा गाड़ी नहीं देखे, सबसे पहले जाना है गैरेज में, गैरेज जाके पापा गाड़ी देखना है, तभी रिटर्न आएगा। तो चलो, शाम हो चुका है, वक्त हो रहा है अभी 6 बज रहा है, लाइट वाइट जला दे और अब लेके बैठते हैं हम अपने हेलमेट को, बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आज की कब हेलमेट लेके बैठा जाए, कब हेलमेट को ठीक किया जाए। आदि गया, अब बैठेंगे हम लोग अपना हेलमेट अनबॉक्स करने। तो ये हमारा हेलमेट सेम है, इससे पहले जो था वही हेलमेट है, सारा कुछ सेम है, लेकिन पिछले वाले हेलमेट में मैं बताया था कि मेरा प्रॉब्लम हो चुका था डबल एक्सल साइज, LS2 शुरू से मेरे को लेना था, वो डिटरमाइंड था, साइज को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। जब अमेजोन पे गया, ऑफर अच्छा मिल रहा था और वहाँ पे साइज था डबल एक्सेल, अब लालच में आके ऑर्डर तो कर दिए, घर में लाके पहने भी ठीक लगा, बिकॉज नया हेलमेट ऑलवेज थोड़ा सा वो स्नागी लगता है। कुछ दिन रखे, सारा कुछ ठीक ठाक लगा, माइंड मेकअप हो गया था कि उसी को रखना है, लेकिन लास्ट डे मतलब 9 तारीख था जब मेरे को अमेजोन का वो टाइम खत्म हो रहा था कि आज ही लास्ट डे है रिटर्न करने का, उस वक्त क्या पता क्यों कहीं से मेरे को लगा कि नहीं इस हेलमेट को एक बार फिर से चेक किया जाए, तो उस वक्त गोप्रो माउंट लगाया, उस पर चिन माउंट एक लगाया ब्लू आर्मर का, वो लगा के चेक किया। हेलमेट को पहन के जब मैं थोड़ा सा सर ऐसे हिलाया, ऊपर नीचे किया, तो मेरे को लगा कि नहीं ये आगे जाके हेलमेट मेरे को हेल्प नहीं करेगा और ये मेरा सर का दर्द बन जाएगा, तो उसी वक्त इमीडिएटली उसको रिटर्न किए। दो मेरे पास जो सेलर थे उनका फ़ोन भी आया था अमेजोन से कि सर क्या इशू हो रहा है, तो इशू उनको समझा दिया, रिटर्न हो गया मेरा, सारा कुछ ठीक है। और ये जो हेलमेट है ये हम लोग खरीदे एक ऑफलाइन स्टोर हमारे कोलकाता में, यह है बाइकर जेनोम, वहाँ से जाके खरीदा ये हेलमेट। अभी करते हैं अनबॉक्स, कलर पूरा अलग है, उससे डिफरेंट कलर है, बट हाँ ये कलर भी अच्छा है मेरे लिए। आज भी पिछला वाला हेलमेट का कलर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, बट वो नहीं मिला तो अब कुछ करना नहीं था, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलमेट के साथ मेरे को जो मिला है ये मैं खोल दिया हूँ ऑलरेडी, ये एक बलाक्लावा वहाँ से मेरे को गिफ्ट मिला है, उसके बाद ब्लू आर्मर का चिन माउंट मैं एक वहाँ से खरीद लिया था, फिर पिनलॉक सिस्टम इनका जो है, जो एंटी फॉग फिल्म है वो इसके अंदर है, वो लगा हुआ नहीं है, तो वो मेरे को बोले कि जब ज़रूरत हो इसको तब लगाइएगा, अभी तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो देखेंगे वो कब मेरे को लगाना है। और अब खोला जाए अपना हेलमेट, ये आया हमारा दूसरा हेलमेट, अब ये हेलमेट और वो हेलमेट सारा कुछ सेम है। अब देखो सिर्फ जो चेंज है वो है एक साइज और कलर कॉम्बिनेशन, इस पे भी वो सारा कुछ है, पिनलॉक आ रहा है, फिर ये सनवाइजर यहाँ पे है, हाँ इसमें जो स्ट्रैप है वो डबल डी है और वहां पे नॉर्मल स्ट्रैप था, यहाँ जो स्ट्रैप मेरे को मिला है वो स्ट्रैप डबल डी है,
अभी जो लेटेस्ट जितने भी हेलमेट आ रहे हैं, जो थोड़ा सा अच्छे ब्रांड का हेलमेट है, वो सारे में डबल डी आता है। पैडिंग वैडिंग बहुत सही है, साइज ये है एल। तो पहन के तो एक बार ऑलरेडी दिखाई दिया था इससे पहले, तो इसको और दोबारा पहन के दिखाना है नहीं। इस पर फिर कर लेंगे अभी, वो जो गोप्रो का माउंट है वो कर लेंगे, और बाकी जो सेटिंग वेटिंग है वो कर लिया जाएगा। देखते हैं, वो अगर इस वीडियो में दिखाए तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बलाक्लावा वहां से मेरे को मिला था, तो अब एक बार पहन के भी दिखा दिया जाए कैसा लग रहा है फिटिंग। अभी ये पूरा मेरे दोनों चीक को दबा के रखा है और बहुत अच्छा फिटिंग है, फिटिंग नो डाउट बहुत अच्छा है। बट वो मैं जब उनको दुकान में बोला कि मेरा दोनों चीक ना दांत से लग रहा है अभी, तो बोले अभी कुछ दिन तक आपको वैसा फील होगा और ये बहुत अच्छा फिटिंग है, इसके बाद धीरे धीरे ये क्या है ये छोड़ना शुरू कर देगा, तो थोड़ा सा जब लूज होगा तब आएगा परफेक्ट फिटिंग। तो चलो यही रहा, देखते हैं। और ये कैसे बेल्ट लगाते हैं अभी एक बार देखना होगा, मेरे को पता नहीं है इसका। बाबू जा तो अपना चिन माउंट भी सेट हो गया। बड़ी मुश्किल होता है, एक साइड मैगी को संभालो, दूसरे तरफ आदि का झमेला, मतलब किसी भी तरीके से एक कोने में जगह खोज के निकालना पड़ता है मेरे को सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। अगर वो ऐसे नॉर्मल ब्लॉग हो तो ठीक है, बट कोई प्रोडक्ट के साथ अगर कुछ करना हो ना, बहुत हालत खराब हो जाता है मेरा। या फिर आदि बाहर रहेगा, मैगी अंदर रहेगी, मैगी बाहर, आदि अंदर। चलो खैर, संभाव मैनेज कर लिया। तो ये मेरा पिटारा जो है, जिसमें सारा मेरा एक्शन कैमरा गोप्रो वगैरह का सेटअप है, और ये तो खैर LS2 वाला डब्बा है। और ये रहा अपना ब्लू आर्मर वाला चिन माउंट। बहुत डर लगता है नए हेलमेट पे कुछ करना, बट हाँ किसी भी तरीके से मैनेज हो गया और ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्लीक लग रहा है और सिस्टम काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक हाथ से कितना कुछ करे आदमी, ये देखो पैर को भी हाथ का काम कराया मैं। ये यहाँ पे सेट हो गया है एकदम, ये ब्लॉक हो गया परमानेंटली। आई मीन ये जब नीचे करते हैं तो ये ब्लॉक होता है, बट ये ऑलवेज अब ओपन रहेगा ऊपर करने से, तो ये ठीक है, इसे इशू नहीं है। अब इसके बाद मेरे को जो यहाँ पे सेटअप करना है वो रहेगा अपना गोप्रो का सारा जुगाड़। आई मीन माइक सेटअप मेरे को अब करना है, तो माइक सेटअप के लिए शांति से बैठेगा, बिकॉज वो बहुत सही तरीके से करना होगा और पूरा सही तरीके से। अब आज ये जो ब्लू आर्मर वाला माउंट लगा है ना, इसको आज सारे दिन छोड़ देते हैं, इस पर अभी कुछ नहीं लगाते हैं। आई मीन थोड़ा और स्टडी हो जाएगा, करीब 6-7 घंटा अगर ऐसे ही रह जाए तो जो ब्लू है इसके साथ, जो 3M ब्लू है, वो अच्छे तरीके से पकड़ लेगा, तो और स्टडी हो जाएगा। तो अभी इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना है नहीं अभी, ये स्टिकर वगैरह अभी खोलना नहीं है मेरे को, ये जिस दिन निकालेंगे आई मीन हो सकता है तो कल एक बार लेके निकले इस हेलमेट को टेस्ट करने के लिए। तो चूंकि नया है तो अभी कान वान दर्द हो जा रहा है थोड़ी ही देर में, बट हाँ साइज मतलब मेरे जो हेड के साइज का ये था वो 58 था और ये 59-60 है, तो ठीक है ये कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा और हेलमेट वही साइज होना भी चाहिए। तो चलो यही रहा, आ गुड नाइट करेंगे आप, आ गुड नाइट करेंगे आप, आजा आजा ऐसे मत करो, मस्त पोनीटेल बनाई है खुशी आदि का। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ देखे, घूमो पीछे, घूमो पीछे, घूमो, हेलो
मंकी मंकी देख भी मंकी आदि एक नया गाना सीखा है आई की मंकी देख भी मंकी क्या अन्ना देख भी अन्ना। चलिए 10:30 हो रहा है, डिनर विनर कंप्लीट, मिला जाएगा आपसे कल। आस्ते आस्ते थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग। कल क्या करना है? हाँ कल GoPro सेटअप करना है, तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।